हेलो चिल्ड्रन, एज यू नो वी आर डिस्कसिंग चैप्टर 3 ऑफ 7th क्लास। नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.1 एंड 2 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इन एक्सरसाइज 3.3 वी विल डिस्कस ग्राफ्स, डबल बार ग्राफ। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, यूज द ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। ग्राफ इज गिवन, दिस इज द ग्राफ गिवन, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। आपको बताना है सबसे ज्यादा पॉपुलर पेट कौन सा है। अब देखिए जो ये ग्राफ है इसके अंदर जो अलोंग एक्स एक्सिस गिवन है, अलोंग एक्स एक्सिस दीज आर पेट्स एंड अलोंग वाई एक्सिस वी आर यूजिंग स्टूडेंट्स। इसमें देखिए सबसे ज्यादा पॉपुलर पेट कौन सा है, मीन्स सबसे जो आपके पास लार्ज ग्राफ है वो कौन सा है। तो उसके अंदर ये क्या है, कैट। कैट आपके पास 10 है, तो पॉपुलर कौन सा होता है जिसमें सबसे बड़ा ग्राफ जाता है। जैसे आप लोग अगर मैच देखते हो तो मैच के अंदर भी आपको ऐसे ग्राफ मिलते हैं प्लेयर के, सेम ऐसे ही आप इसको देखेंगे तो जो कैट है, कैट वो कितने के ऊपर है, 10 के ऊपर है। ये यहां तक ये 10, ये किसके लिए है, कैट के लिए है। तो ये मैक्सिमम किसके लिए आ गया, कैट। सो आंसर व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, यू विल राइट आंसर कैट। नेक्स्ट, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। कितने स्टूडेंट्स के पास डॉग एज अ पेट है। अब देखिए यहां से ग्राफ से देखिए, ये डॉग है, डॉग के लिए देखिए, डॉग के लिए स्टूडेंट्स कितने हैं, 8। अलोंग वाई एक्सिस आपको देखना है ये, तो ये 8। डॉग कितने बच्चों के पास है, 8 बच्चों के पास है। तो यहां पे आप नोट कर देंगे 8। पहले क्वेश्चन नोट करना है, देन यू विल राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रीड द बार ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989। बार ग्राफ आपके पास ये गिवन है, आपको इसको ऑब्जर्व करना है और ये आंसर करना है। फर्स्ट वन आपके पास क्या है, अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989। सो यू विल राइट इन 1989, ये आप अपने आप नोट करेंगे, इन 1989 बुक्स सोल्ड इक्वल टू। अब देखिए इसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे हम, अगर आप अपनी बुक के अंदर देखते हैं तो जो ये 1918 वाला बार ग्राफ है, ये जो मिड ऑफ 100 और 200 है, 100 और 200 के बीच में जो ग्राफ है उससे थोड़ा ज्यादा है। इन दोनों के बीच में कितना आएगा, 150 आएगा, क्योंकि ये 100 है ये 200 है, इसके बीच में क्या आएगा, 150। लेकिन ये 150 से थोड़ा ज्यादा है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको राउंड फिगर में लिखना है। एग्जैक्ट तो आप बता ही नहीं पाओगे इसको, तो आपको ये राउंड फिगर में नोट करना है। इसके लिए आप नोट करेंगे, अब 150 और 200 इसके बीच में कितने का गैप है, 50 का। 50 का हाफ करोगे तो 25, यानी आप इसको नोट करोगे अबाउट 175 बुक्स सोल्ड। ये आप एप्रोक्स में लिख रहे हो क्योंकि इसको एग्जैक्टली आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट देखिए, इन 1990 में अगर आप ग्राफ देखते हैं तो ये भी आपका मोर देन हाफ से ज्यादा है, और मोर देन हाफ से ज्यादा है तो इसको आप 75 की रेंज में लोगे। ये आपके पास क्या आएगा, 475। ये आप किसके लिए, 1990 के लिए है। देन 1992, अब ये 1992 के लिए देखिए, नाइनटीन नाइन्टी टू में ये 200 है,
200 से ये कम है, 200 से 1992 ये वाला है, 200 से ये ज्यादा है, 200 से ज्यादा है तो आप इसके लिए देखिए क्या लिखेंगे। और ये जो हाफ है, हाफ से ये कम है, अगर ये हाफ से कम है तो इसको 25 लो, ठीक है। ये आपको अप्रोक्स में करना है तो इसको आप लोगे 225। कैसे लिए हमने, अगर आपको एग्जैक्टली हाफ दिखता है, अगर एग्जैक्टली आपको हाफ दिख रहा है टू नंबर्स के बीच में हाफ दिख रहा है तो आप उसको 50 लो। अब हाफ का भी अगर हाफ है तो उसको आप 25 लो, ठीक है। इसके फोर पार्ट्स जैसे देखो, फोर पार्ट्स कैसे करोगे, ये मान लो यहाँ पे 200 है और ये 400 है, ये 300 है, इसमें एक पार्ट आपने किया इसका हाफ किया, 200 और 300 का हाफ क्या होगा, 250। अब 200 और 250 का हाफ क्या होगा, इनका डिफरेंस कितना है, 50। 50 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 25, यानी ये कितना आ गया, 25। कितना 25 आएगा, 200 के बाद है तो 225। अब नेक्स्ट आप इसमें देखिए, ये भी 25 आएगा इसका हाफ, 250 में जब आप 25 ऐड करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, 275। तो इसमें सब में आप ऐसे ही लोगे 100, उसके बाद अगर थोड़ा ज्यादा है तो 125, अगर हाफ है तो 150, अगर मोर देन हाफ है तो 175, और अगर एग्जैक्ट है तो वो आप 200। अब उसके बाद सेकेंड पार्ट देखिए, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स, कौन से ईयर में जो बुक्स है वो अबाउट 475 थी, तो उसके लिए आप क्या लेंगे, 475 के लिए इन ईयर 1990। यहाँ पे आप नोट करोगे ये पूरा, इन विच की जगह क्या कर लेंगे, इन 1990 में देखिए, ये यहाँ पे है ग्राफ, ये इधर, तो ये आप इसको कितना लोगे, 475, तो यहाँ पे लिखोगे आप इन 1990 देयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। नेक्स्ट क्या है, अबाउट 225। अब 225 भी देख लीजिए, अभी आपने ये नोट किया था, 225 कितने में है, ये 200 है, 200 से थोड़ा ज्यादा, ये किसके लिए है, 1992 के लिए, तो वो भी आप नोट कर देंगे, इन 1992 देयर वर अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। इन विच ईयर वर फ्यूवर देन 250, 250 से कम देखिए, यानी 200 और 300 के बीच में आपको नोट करना है, 300 के पास में है वो 275 है, और जो 200 के पास में है ये जो ब्लू, ये ब्लू वाला, ये किसके लिए है, ये 250 से कम के लिए है, तो यहां पे आप नोट करेंगे 250 से कम 1992 में, देन उससे कम फिर ये आपके पास 175 था 1989, तो ये टू इयर्स है जिसमें बुक सोल्ड लेस देन 250 थी। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में है आपके पास, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। आपको फाइंड आउट करना है कि आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि जो 1989 में है वो कितनी बुक्स थी। देखिए इसके लिए आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आप नोट करेंगे बाय ऑब्जर्विंग बार ग्राफ, इसके बाद यहाँ पे करिए जो ये पूरा 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है, 100 के इक्वल है ये 1 सेंटीमीटर, ये
100 के इक्वल है, आपको फाइंड आउट करना है। अब इसके अंदर हम थ्री पार्ट्स फोर पार्ट्स करते हैं, ये इधर मैं आपको दिखाती हूं, ये मैंने इसके फोर पार्ट्स किए, ये आपके पास यहाँ 100 है और ये यहाँ पे 200 है, तो 1 2 3 4 ये फोर पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 ये वाला इंक्लूड नहीं करना होता है। तो ये आप कैसे करेंगे, जैसे आपने फ्रैक्शन में किया था। अब इसके लिए देखिए आप कैसे करेंगे, जो ये वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट के लिए आप कैसे करेंगे, 100 तो आपके पास ऑलरेडी है, प्लस अब 100 का कौन सा पार्ट है, ये देखिए 1 2 3 थर्ड पार्ट है ये, और टोटल पार्ट्स कितने की हमने, 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4, ये ऐसे किया हमने, तो ये आपके पास क्या आया 4, इसको आपने कट किया तो ये 25, टोटल आपके पास कितना आ गया 175। ये इस टाइप से आप करते हो, आपको देखना है कि 1989 में नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, तो आपने कैसे किया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100, उसके बाद आप 4 1989, यह इसके लिए आपने किया 100 प्लस 3/4 किस लिए किया है, क्योंकि जो ये ग्राफ है ये हाफ से थोड़ा ज्यादा है, अगर ये फर्स्ट वाला होता तो ये 125 यानी 1/4 लेते, अगर ये यहाँ पे होता तो इसको 2/4 लेते, अभी यहाँ पे दिखाया हुआ है ग्राफ, तो जब यहाँ पे रहेगा तो इसको आप 3/4 लोगे, तो 100 × 3/4 दैट इज इक्वल टू 25। नाउ 100 + 25 × 3 = 75 होता है, 100 + 75 = 175, ऐसे आप ऑब्जर्व करोगे इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ। नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड क्लास गिवन है आपके पास, आपको एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है इसके लिए। सो देखिए कैसे करेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस वी विल टेक क्लास एंड अलोंग वाई एक्सिस वी विल टेक नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सो लेट्स सी, देखिए अब आपको देखना है कि स्केल आप कैसे लेंगे इसके अंदर। यहां पे है 135 120 95 100 90 80। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो आपको इजीली ऑब्जर्व करने पे मिलेगा कि अगर आप 10 10 का गैप लेंगे तो ये इजीली ड्रॉ हो जाएगा। इसमें 10 का लीजिए आप, जो फर्स्ट स्मॉल स्क्वायर होता है बार ग्राफ के अंदर, ये आप 10 लेंगे, देन 20 सेकंड वाला, 30 40 50 60 70 80 100 110 120। अब आपके पास ये और भी स्पेस मिलेगा ऊपर, तो आप इसको आगे कर सकते हैं। आपको कहां तक लेके जाना है, ये 135 है ये, तो 140 तक चाहिए, 130 एंड 140। जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो देखिए अब इजी हो गया, ये 10 से आपने स्टार्ट किया, 10 20 30 40। यहां पे आपको क्लासेस लेनी है, क्लासेस को आप लीजिए, फिफ्थ क्लास 135, यहां पे आप लेंगे फिफ्थ क्लास, जो फर्स्ट बॉक्स आपके पास है उसको आप लेंगे फिफ्थ क्लास 135। देखिए ये यहां पे, इधर देखिए, यहां पे बताती हूं मैं आपको, ग्राफ के अंदर ये आपको एक स्क्वायर बॉक्स मिलेगा, इस स्क्वायर बॉक्स में आपको एक थोड़ी सी डार्क लाइन यहां पे मिलेगी, ये डार्क लाइन है, ये भी डार्क लाइन है, इन दोनों के कंपैरिजन में एक लाइन यहां पे मिलेगी जो थोड़ी सी हल्की डार्क होगी, ये यहां पे जीरो हो गया। उसके बाद यहां पे डिवीजन मिलेंगे आपको, 1 2 3 4 और फिफ्थ वाला ये हो गया,
सिक्स सेवन एट नाइन, और जो ये वाला ये टेन वाला हो जाता है, ये टेन वाला रहेगा। तो ऐसे जब ये मिलेगा आपको तो आप यहां से लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, अगर टेन होता है तो कंप्लीट वो आपका नेक्स्ट नंबर बन जाएगा। अब ऐसे ही वो वर्टिकल में होती है, आपको कौन सी लेनी है अभी, ये रो वाली लेनी है, टेन ये आपके पास आ गई। अब आपको बोला गया 135, यहां पे मान लो ये आपके पास ये 130 है, आपको 135 लेना है, यहां पे क्या है 140, 135 कहां होगा, वन टू थ्री फोर फाइव, जो आपके पास ये जो लाइट वाले लाइट डार्क है ये आपके पास 135 हो गया। तो यहां पे ऐसे लेंगे आप, जो इसके बीच में आपके पास, देखो आपके जो पास जो ग्राफ पेपर है उसके अंदर आपको इजीली मिल जाएगा, उसके अंदर आपको इजीली मिलेगा ये, आप उसको बहुत इजीली कर पाओगे। अब मेरे पास बीच में ये है नहीं लाइन, तो मैं तो आपको सिर्फ रफली बता पाऊंगी। ये आपके पास क्या आया 135, दिस इज फॉर क्लास फिफ्थ। आफ्टर दैट 120, अब 120 देखिए 120 कहां पे है, ये 120 है, तो 120 वाले उस पे आपको यहां पे गैप देना है वन बॉक्स का, देन यू विल ड्रॉ 120, 120 ये है आपके पास, ये आप 120 इसको करोगे क्लास सिक्स। देन आफ्टर दैट 95, 95 कहाँ आएगा, यहां पे ये 80, 80 के बाद देखो मैंने 90 लिखा नहीं, सॉरी 95, ये आप इजीली कर पाओगे, ऐसे ही आप आगे भी कर लोगे, अपने आप से आगे कर पाओगे ना। ये सेवेंथ एट्थ आपके पास 100 है, तो 100 आप एज इट इज लीजिए इसके अंदर, ये आपके पास 100, देन 90, 90 आपके पास कौन सी क्लास है, ये यहां पे एट्थ क्लास है। आफ्टर दैट नाइन्थ क्लास में 90 स्टूडेंट है, सो नाइन्थ के लिए देखिए अब ये 90 नाइन्थ क्लास के लिए हो गया, देन 80 है टेंथ क्लास के लिए, टेंथ क्लास 80, ये 80 हो गया। दिस इज फॉर टेंथ क्लास। नाउ आफ्टर ड्रॉइंग दिस बार ग्राफ यू विल कलर इट विद डिफरेंट कलर्स, इसमें आप डिफरेंट कलर करेंगे सबके अंदर, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट है, कोई भी सेम नहीं है, कलर करना जरूरी होता है। उसके बाद आप स्केल देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्वेश्चन, उसमें हाउ वुड यू चूज अ स्केल, तो स्केल देखिए यहां पे जो आपने यूज किया है 10 स्मॉल डिवीजन कितने के इक्वल टू लिया आपने, 10 के इक्वल लिया है, तो यहां पे आप करेंगे 10 स्मॉल डिवीजन, ये जो एक पूरा एक बड़ा बॉक्स था इसके अंदर कितने डिवीजन थे, 10 थे, तो उसके लिए हम लेके चलेंगे 10 स्मॉल डिवीजन्स इक्वल टू, 10 स्मॉल डिवीजन्स इक्वल टू 10 चिल्ड्रन है ये, तो यहां पे लेंगे आप 10 चिल्ड्रन। अब 1 के लिए आपको फाइंड आउट करना है 1 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू क्या होगा, 10 by 10 कम होगा, और कम के लिए डिवाइड किया 10 1 10 वन चिल्ड्रन। तो यहां पे आपके पास स्केल से क्या मिलता है कि आप अगर मान लो 97 चूज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो 1 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 चिल्ड्रन आ गया, तो यहां से आप जो सेवंथ पार्ट लेंगे वो 7 चिल्ड्रन हो जाएगा, इसलिए आप ये स्केल यूज करते हैं, और स्केल लिखना जरूरी होता है कोई भी अगर आप
क्वेश्चन करते हैं बायोग्राफ वाला. उसके बाद है विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, ये आप इजीली बता पाओगे. इसका आंसर आप अपने आप से नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आंसर नोट करेंगे. क्वेश्चन क्या है, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एंड द मिनिमम. सो यू विल राइट मैक्सिमम क्लास, देखिए कितने हैं 135. फिफ्थ क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एंड 10th क्लास हैज मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट इज 80. दैट यू विल राइट योर सेल्फ. नेक्स्ट नाउ सी पार्ट इज फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th टू क्लास 8th. सो यू हैव टू फाइंड आउट रेशियो. सो रेशियो के लिए आप देखिए रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे. क्लास 6th नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन क्लास 6th आर 120 रेशियो, देन क्लास 8th नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8th इक्वल टू 100. अब इसको आप लोवेस्ट फॉर्म में भी करेंगे, ये 2 6 2 5 दैट इज इक्वल टू 6:5. दिस इज योर आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म इज गिवन, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग. आपको ड्रॉ भी करना है, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ, और उसके बाद क्वेश्चन है उनके आंसर भी करना है. सो लेट्स सी. सो फर्स्ट आप देखिए कि यहां पे कैसे लेंगे स्केल, उसके लिए देखो 70 65 95 85 75, और ऊपर आपके पास 67 72. तो यहां पे आपको 10 10 का गैप लेना होगा. जो फर्स्ट स्मॉल डिवीजन है वहां पे आप 10 लेंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 100, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 100 है. ये आपको गिवन है कि 100 है, तो आप 100 तक करोगे इसको. नाउ देखिए फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, आपके पास फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है, तो इसके लिए आप कैसे ही करेंगे. पहले फर्स्ट टर्म के लिए देखिए 67 कहां पे आएगा, ये 60 है, ये 70 है. जो सेवंथ पार्ट आएगा 60 के बाद वो 67 आएगा. तो 67 आपने ड्रॉ किया पहले ऐसे, ये आपके पास 67 है. दूसरी टर्म में देखिए सेकंड टर्म में कितना है 70, तो आप इसको 70 करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट सब्जेक्ट. अब इसमें आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर में. इसमें आप सेकंड देखिए हिंदी, हिंदी में कितने हैं फर्स्ट टर्म में 72, ये 70 है, 70 से थोड़ा सा ज्यादा 72 मिलेगा. ये चिपका के नहीं बनाना है, थोड़ा सा दूर बनाना है. ये दोनों आप चिपका के बनाएंगे, ये चीज ध्यान रखना, ये दोनों आप एक दूसरे को टच करके बनाएंगे, और यहां पे फिर वन गैप देंगे वन बॉक्स का, देन अगेन नेक्स्ट 4 72 हिंदी, एंड इन सेकंड टर्म 65, ये 65 देखिए यहां पे ये 65 है, 65 आफ्टर दैट मैथ्स में 88 95. वाह क्या बात है, पहली बार मैंने देखा किसी के मैथ्स में सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं 88 एंड 95 देखिए ये है आपके पास, ये जो फिफ्थ पार्ट मिलेगा वो 95 वाला मिलेगा. देन साइंस में 81, 80 से नेक्स्ट जो फर्स्ट पार्ट मिलेगा वो 81 मिलेगा. ये आप अपनी बुक में बहुत अच्छे से देख पाएंगे, ग्राफ में बहुत अच्छे से देख पाएंगे, पता नहीं चलता. नेक्स्ट सेकंड टर्म में क्या है 85 है, इससे थोड़ा नीचे कर देती हूं मैं, ये 85 आफ्टर दैट 73 सोशल साइंस में 73
मान लो ये 73 है, सेवेंटी फाइव देन इसे थोड़ा सा ज्यादा लेंगे। अब इसमें देखिए आपको क्या करना है, यहां पे ध्यान से सुनिए, ये ड्रॉ करने के बाद, इतना करने के बाद इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आप सबको पेन से कोई ड्रॉ नहीं करेगा, सभी को ग्राफ हमेशा पेंसिल से ड्रॉ करना होता है, तो पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे मार्क्स अलोंग वाई एक्सिस। अब इसके लिए जो फर्स्ट टर्म है, अब इसमें एक फर्स्ट टर्म है एक सेकेंड टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है सबके लिए आप कलर यूज करेंगे सेम, फर्स्ट टर्म के लिए सब में एक ही कलर करेंगे आप, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, जो फर्स्ट टर्म है उसके लिए करेंगे। ये मैंने फर्स्ट टर्म के लिए कर दिया ऐसे। सेकेंड टर्म में आप डिफरेंट कलर यूज करेंगे, पेंसिल कलर करना है और स्केच नहीं करना है। सेकेंड टर्म के लिए आप डिफरेंट करेंगे, सब में सेम होना चाहिए। और मान लो सेकेंड टर्म में ये ऐसे आप पूरा कलर करेंगे, आप ऐसे नहीं करेंगे, आपको कलर करना है ये पूरा। ये आपने सेकेंड टर्म के लिए किया, मीन्स फर्स्ट टर्म आपको अलग दिखनी चाहिए और सेकेंड टर्म अलग दिखनी चाहिए। दीज आर पार्ट्स ऑफ फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन के ही पार्ट है ये जो आपने अभी किया था। फर्स्ट देखिए, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इंप्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, कौन से सब्जेक्ट में चाइल्ड ने सबसे ज्यादा इंप्रूव किया है अपने आप को। अब इसके लिए देखिए, आप अंतर्यामी नहीं हो कि आपने डायरेक्ट देखा और नोट कर दिया, इसके लिए आप सोल्व करके दिखाएंगे। यहां पे सोल्व करके दिखाओगे। इंग्लिश लीजिए सबसे पहले, इंग्लिश में देखते हैं हम, 67 थे देन 70 हो गए, पहले 67 थे अब 70 हो गए, तो यहां पे कोमा लगाइए। अब आप देखिए इसमें इंप्रूव किया या नहीं, अगर ये ज्यादा है, सेकेंड टर्म में ज्यादा है, तो आप करेंगे 70 माइनस 67 इक्वल टू 3 मार्क्स। अब देखिए नेक्स्ट हिंदी, हिंदी में 72 एंड 65। अब ये देखिए 72 65, यहां पे ये मैं यहां पे इंक्रीज हुआ था, तो मैं इंक्रीज के लिए ये साइन यूज करती हूँ, डिक्रीज होता है तो मैं ये डाउन में करूंगी। यहां पे डिक्रीज हुए, पहले 72 थे फिर 65 हो गए, तो कितने का गैप आया इसमें, 7 का। ये डाउन कर देती हूँ मैं एरो को, क्योंकि ये डिक्रीज हुए हैं। फिर मैथ्स के लिए देखिए, मैथ्स में पहले 88 थे, आफ्टर दैट 95। अब इसमें देखते हैं 95 माइनस 88, अब इंप्रूव किया इसमें, 88 से 95 माइनस करेंगे, दैट इज इक्वल टू 7, इंक्रीज हुआ है। देन साइंस में 81 85, इसमें भी इंप्रूव किया है, सो 85 माइनस 81 दैट इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट सोशल साइंस देखिए, सोशल साइंस 73 75, इसमें भी इंप्रूवमेंट हुआ है, 75 माइनस 73 दैट इज इक्वल टू 2। अब क्वेश्चन के आंसर आप इजीली दे पाएंगे, आपसे जो पूछा गया है अब आंसर करिए। इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इंप्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, सबसे अच्छा किसमें इंप्रूव किया है, तो देखिए इंप्रूव किया है मींस जो ऑक्साइड है, जो इसमें इंक्रीज किया है वो आपको लेना है, और सबसे अच्छा किसमें किया है, इसमें 3 था, इसमें 7, इसमें 4, इसमें 2, तो ये 7। अब ये वाला मत लेना क्योंकि ये तो डिक्रीज किए हैं मार्क्स, कम हुए हैं इसमें, ये वाला देखना आपको। तो ये कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ्स, मैथ्स में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, तो लास्ट में आप नोट कर देंगे अपने आप से, द चाइल्ड हैज इंप्रूव्ड द मोस्ट इन मैथ्स, ये आप नोट करेंगे अपने आप से। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इन विच सब्जेक्ट इज द इंप्रूवमेंट द लीस्ट, सबसे कम इंप्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में है, तो सबसे कम इंप्रूवमेंट किस में है, साइंस में, साइंस में इंप्रूवमेंट बोला है, देखो आपको कभी ये ले लो कि इसमें कम गए हैं, तो वो नहीं लेना आपको, इंप्रूव किस में किया सबसे कम,
सोशल साइंस में, तो वो आप नोट कर देंगे इधर, इन सोशल साइंस इज द इम्प्रूवमेंट द लिस्ट. नेक्स्ट थर्ड पार्ट, हैज द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, क्या किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन गई है. इन हिंदी द परफॉर्मेंस ऑफ चाइल्ड गोन डाउन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर दिस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी. फेवरेट स्पोर्ट गिवन है, वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग गिवन है, और उसके बाद क्वेश्चंस भी गिवन है इसमें. तो फर्स्ट आपको क्या करना है, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल. अब इसके लिए स्केल देखिए, स्केल आप कैसे लेंगे, 620, 320, 320, 250. अब देखिए यहां से आप देखते हैं कि ज्यादा नंबर आपके देखिए 1240 तक है, तो ये तो है नहीं कि आप ऐसे करोगे 1, 2, 3, 4 1000 तक, तो वो तो पॉसिबल है नहीं. आप कितने का गैप लेंगे यहाँ पे, 100 का लेंगे, 100, देन 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000. आफ्टर दैट 1100, 1200 एंड 1300. यहां तक आपको ये लेना है स्केल. उसके बाद अलोंग वाई एक्सिस क्या लेंगे आप, अलोंग वाई एक्सिस यहां पे लिखेंगे स्पोर्ट्स, और ये आपने अलोंग वाई एक्सिस क्या लिया है, नंबर ऑफ पीपल. अब इसमें आपको करना है वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग 1240, तो देखिए 12 और 1300 है, ये 1200 है, यहां 1300 है, तो इसको आप कैसे लेंगे, जो फर्स्ट वाला है. अब देखिए स्केल यहां से हम देखते हैं कि स्केल कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि जो 10 स्मॉल डिवीजन है ये इसके अंदर, 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू, अब कितने के इक्वल लिया हमने, ये गैप कितने के इक्वल है, 100 के इक्वल टू 100, वन स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 100/10, दैट इज इक्वल टू 10. जो इसमें ये स्मॉल वाला है ये 10 के इक्वल टू है, तो यहां इसको क्या लोगे, ये 1200 है, तो ये 1200 10 होगा, फिर 1220 होगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है. आपको लेना 1240, तो जो फोर्थ पार्ट आएगा, फोर्थ पार्ट आपके पास क्या होगा, 1240 आप नोट करेंगे. उसके बाद आई थिंक आप कर सकते हैं देन 620, ये 600 है. इसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा वो 620 होगा. नेक्स्ट ये यहां पे आप नोट करेंगे अपने आप से, यहां विजिबल नहीं अभी आपको. नेक्स्ट है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में 470, ये 400, ये 500. जो सेवेंथ पार्ट होगा, यहां सेवेंथ पार्ट आपके पास क्या आएगा, बास्केटबॉल. देन पार्टिसिपेटिंग में है 320, ये 300, ये 400. यहां पे जो सेकंड पार्ट होगा वो आप 320 लेंगे. नेक्स्ट 510, 500 के बाद जो फर्स्ट पार्ट होगा वो 510 होगा, और 320 ये हमने अभी किया था, ये इसके इक्वल आएगा. देन 423, अब देखिए 420 तो आप कर सकते हैं, 423 इसमें नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 420 यानी सेकंड जो पार्ट होगा, सेकंड पार्ट से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर करना, ऐसे आपके उसमें ग्राफ में मिलेगा ना इस टाइप से, तो इसके ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे कर देना, बिल्कुल इसको टच नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा ऊपर निकाल देना, तो वो आपके पास 423 आ जाएगा. देन 250 यहां आपको मिल जाएगा, ये फिफ्थ पार्ट मिल जाएगा. ये डबल बार ग्राफ है बेटा, ध्यान से बनाना, कभी इनको आप अलग अलग कर दो, ये दोनों आपको एक साथ मिला बनाना है, और
यहाँ पे वन गैप दोगे वन बॉक्स का, फिर दोनों मिला के फिर गैप, ये डबल बार ग्राफ होता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 250 एंड 105, तो 250 ये हो गया यहाँ पे, 250 एंड 105। देखिए 100 आपके पास है, 100 आपके पास है, 100 से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर करेंगे जैसे आपने अभी किया था, 100 से थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 105। ऐसे नोट करने के बाद सेम आपको याद रखना है, इसको आप डिफरेंट कलर से करेंगे, इसको डिफरेंट से, जो आपने ये किया है सेम आगे यही कलर करेंगे ऐसे, ठीक है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो सेम कलर है वो वॉचिंग है, दूसरा सेम कलर पार्टिसिपेटिंग है। सिर्फ टू कलर करने हैं, सारे में डिफरेंट मत कर देना। स्केल मैंने आपको बता दिया है, अब इसके बाद इसमें क्वेश्चन है, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल। स्केल ये होगी आपके पास, ये स्केल नोट करेंगे आप, ग्राफ पेपर है वहीं साइड में करेंगे। देखिए, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द ग्राफ, वी इन्फर दैट नंबर ऑफ वॉचिंग मैचेस पीपल आर मोर देन द पार्टिसिपेटिंग पीपल। इसमें सभी में आप देखेंगे कि जो फर्स्ट आपके पास था ये वॉचिंग के लिए था, तो वॉचिंग वाले सभी में ग्रेटर है देन पार्टिसिपेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट है, विच स्पोर्ट इज द मोस्ट पॉपुलर, बताइए सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा स्पोर्ट है, ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट है, देन बास्केटबॉल, देन स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स, विच वन इज द, इसका ग्राफ सबसे ज्यादा बड़ा है वो ज्यादा ज्यादा पॉपुलर है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट। उसके बाद है, विच इज मोर प्रेफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, कौन सा ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है, तो देखिए सबके अंदर आप देखेंगे कि जो वॉचिंग वाला ग्राफ ग्रेटर है देन पार्टिसिपेटिंग से। यहां पे आप कर देंगे वॉचिंग, वॉचिंग स्पोर्ट्स इज मोर प्रेफर्ड, वॉचिंग स्पोर्ट्स इज मोर प्रेफर्ड। अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आप भी इस क्वेश्चन को ऐसे नोट कर सकते हैं, बुक में बहुत ज्यादा लेंथी दिया हुआ है, टेबल इधर नोट करिए और डबल बार ग्राफ आपको ड्रॉ करना है और फिर जो क्वेश्चंस है उनके आंसर करना है। क्वेश्चंस मैंने अभी नोट नहीं किए, पहले डबल बार ग्राफ देखते हैं। यू विल टेक सिटीज अलोंग एक्स एक्सिस एंड टेम्परेचर अलोंग वाई एक्सिस। अब देखिए 10, 20, 30, ये इजी है, आपको गैप यहां पे दिख रहा है तो आप यहां पे सिंपल लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इतना लेने की जरूरत नहीं थी फिर भी मैंने कर दिया नोट। अब इसमें देखिए सबसे पहले अहमदाबाद, अहमदाबाद में है 38, 29, 38 कहां पे आएगा। अब ये हमने 10 का गैप लिया है तो सबसे पहले स्केल देखिए इसका, स्केल 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू, 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 10 बॉक्सेस है या 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। वन स्मॉल डिवीजन इक्वल टू क्या होगा, 10 by 10 दैट इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। ये सबसे पहले आप नोट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 38, 29, 38 जो 8th पार्ट होगा वो होगा, देन 29th, 20 के बाद जो 9th पार्ट होगा वो 29 होगा। ऐसे आप इसको अब अपने आप करेंगे, मैंने सिर्फ इतना बताना था, उसके बाद इजी है, अपने आप करोगे। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है सभी सिटीज का उनको आप सेम कलर में लेंगे और जो मिनिमम टेम्परेचर है उसको आप सेम कलर से लेंगे। फर्स्ट पार्ट इज विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, आपको बताना किस सिटी का सबसे ज्यादा डिफरेंस था मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में, तो इसके लिए आपको ये नोट करना होगा, यहां पे नोट करेंगे डिफरेंस इन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। इतना नोट करने के बाद
फिर आप यहाँ पे सिटी करिए डायरेक्ट अहमदाबाद, मैक्सिमम टेम्परेचर 38 माइनस 29 दैट इज इक्वल टू 9 डिग्री सेल्सियस, ऐसे सभी सिटी का करेंगे हम। नाउ आप आंसर कर सकते हैं इजीली कि सबसे ज्यादा डिफरेंस कौन सी सिटी के टेम्परेचर के अंदर है, तो बताइए सबसे ज्यादा किसमें है। यहां से आप चेक करेंगे 15 डिग्री सेल्सियस दैट इज जम्मू, तो यहां पे आप अपने आप से अब नोट करेंगे जम्मू हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। नेक्स्ट पार्ट इज विच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड द कोल्डेस्ट सिटी, सबसे हॉट सिटी कौन सी है और सबसे कोल्ड कौन सी है। तो हॉटेस्ट में जिसका सबसे ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा वो होगी और कोल्डेस्ट में जिसका सबसे कम होगा। अब यहां से देखिए हॉटेस्ट में सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है, जम्मू का सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, तो जम्मू हॉटेस्ट सिटी है। यहां पे आप नोट करेंगे जम्मू इज द हॉटेस्ट सिटी एंड कोल्डेस्ट सिटी का क्या करेंगे आप, एंड कोल्डेस्ट सिटी इज सबसे कम किसका है 21 डिग्री सेल्सियस। यहां से आप देखते हैं ये आपके पास 21 डिग्री सेल्सियस सबसे कम है, तो आप लिखेंगे कोल्डेस्ट सिटी इज बेंगलोर, ये आप नोट करेंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखिए नेम टू सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वॉज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर सिटी। अब इसके अंदर क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो एक सिटी है उसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, सिटी का मैक्सिमम टेम्परेचर, किसी एक सिटी का मैक्सिमम टेम्परेचर दूसरे सिटी के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम हो। अब देखो इसमें सबसे कम कौन सा है 28 को हम देखते हैं, 28 सबसे कम है बेंगलोर का। दूसरा देखिए मिनिमम टेम्परेचर में कि 28 से कौन सा ज्यादा है, आपको क्या देखना है 28 से किसका ज्यादा है, क्योंकि इसने बोला है कि एक का मैक्सिमम टेम्परेचर, इसका बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है 28, दूसरे के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है, तो वो आप कैसे देखेंगे कि ये आपने देखा मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है 28, सबसे कम किसका है 28 बेंगलोर का। अब आप चेक करेंगे कि 28 से ज्यादा इधर जो मिनिमम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर में 28 से ज्यादा किसका है, तो 28 से ज्यादा देखिए किसका है, एक ये है जयपुर और एक है आपके पास ये अहमदाबाद। यानी किसी एक सिटी का टेम्परेचर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो दूसरे सिटी के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है। यानी जहां बेंगलोर में 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ज्यादा से ज्यादा है ये, और अहमदाबाद का और जयपुर का टेम्परेचर जो मिनिमम टेम्परेचर है वो भी इससे, मिनिमम टेम्परेचर भी इसके मैक्सिमम टेम्परेचर से ज्यादा है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए तभी आपको समझ आएगा। मैक्सिमम टेम्परेचर आप सबसे कम देखिए किसका है, मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे कम किसका है वो देखिए, वो आपने देखा बेंगलोर का है। फिर आपने देखा कि 28 से ज्यादा मिनिमम के अंदर 28 से ज्यादा किसका है, जयपुर एंड अहमदाबाद। तो यहां आप नोट कर देंगे इजीली कि कौन कौन से हैं, बेंगलोर एंड, बेंगलोर के साथ एक बार आप जयपुर लो, बेंगलोर एंड जयपुर, और एक बार आप बेंगलोर एंड अहमदाबाद ये लेंगे। दिस इज योर आंसर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर। समझ में नहीं आता फिर से देखिए इसको, समझ आएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज नेम द सिटी विच हैज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर। मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच में सबसे कम डिफरेंस किसमें है। अब देखिए ये जब ये बना हुआ था आप सोच रहे थे कि मैम इतनी कम जगह में बार बार लिखे जा रही हैं, इसको क्यों नहीं रफ कर दे रही है, तो रफ ना करने का रीजन ये था कि यहाँ पे लास्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है कि सबसे कम डिफरेंस कौन से सिटी के टेम्परेचर में है। तो देखिए सबसे कम देखिए टेम्परेचर, क्योंकि डिफरेंस तो हमने पहले ही फाइंड आउट किया, ये सबसे कम देखिए इसमें सबसे कम किसमें है,
डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस सबसे कम डिफरेंस है, और ये सिटी कौन सी है, मुंबई, तो यहां पे आप नोट कर देंगे मुंबई. दिस इज योर आंसर. थैंक यू.